हेलो किड्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आई एम योर टीचर समन्विता वाजपेयी। और आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो भेजी थी, लेकिन इस वीडियो में मैं दोबारा बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि नाउन क्या होता है। तो नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स मालूम है आपको क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स जिन चीज़ों के नाम होते हैं या जिन्हें हम नाम से बुलाते हैं वो नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो नाउन आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या होता है? नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का नाम होता है। ये तो आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं ना। तो नाउन आर द नेम्स ऑफ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम्स ऑफ थिंग्स, चीज़ों के नाम को। नेम्स ऑफ थिंग्स मतलब चीज़ों के नाम को। चीज़ें कौन सी होती हैं, एग्जाम्पल्स बताओ। मैं बताती हूँ, बैग, अलमेरा, कार, फैन, और भी इंक्लूड कर सकते हो, आपका स्कूल बैग, बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सब क्या है? थिंग्स, चीज़ें हैं। तो इनको हम नाम से बुलाते हैं ना, ये मेरी वाटर बॉटल है, ये मेरा बॉक्स है, ये मेरा बैग है। तो नेम ऑफ थिंग्स क्या होते हैं? नाउन। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। नेम्स ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे आप हैं, आपका कुछ नाम होगा, पापा का कुछ नाम होगा, मम्मी का कुछ नाम होगा, सबका एक फिक्स नाम होता है ना। वैसे ही यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। नेम ऑफ पर्सन, राम, मैक, सैम, आपके दोस्तों के भी नाम होंगे। तो वो सारे जो नाम होते हैं लोगों के, वो क्या होते हैं? नाउन कहलाते हैं। नेम्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के नाम। अब जैसे कौन से जानवर, कुछ पेट एनिमल्स होते हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, तो सबके नाम होते हैं ना, गोट, डॉग, माउस, काउ, लायन, टाइगर। तो ये सब क्या है? नाउन। सबके नाम क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। नेम्स ऑफ प्लेसेस, जो जगहें होती हैं, जिन जगहों के नाम, स्थानों के नामों को क्या कहते हैं हम? नाउन कहते हैं। जैसे दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, अमेरिका, यूरोप। तो ये क्या है? देशों के नाम, जगहों के नाम, या रिवर्स के नाम, या माउंटेन्स के नाम, ये क्या हो, क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया नाउन की डेफिनेशन क्या है। नाउन आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, मटेरियल और थिंग। और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? थिंग्स के एग्जाम्पल बैग, अलमेरा, कार, फैन। नेम्स ऑफ पर्सन के एग्जाम्पल राम, मैक, सैम। नेम्स ऑफ एनिमल्स के एग्जाम्पल गोट, डॉग, माउस, काउ। नेम्स ऑफ प्लेसेस के एग्जाम्पल दिल्ली, बेंगलोर, अमेरिका, यूरोप, एक्सेट्रा। आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों को देखकर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, तो आपके सिलेबस में थ्री टाइप्स के काइंड्स ऑफ नाउन हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी एक निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम होता है। और जो प्रॉपर नाउन होता है उसे हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आपको पता है ना, किसी का नाम होता है तो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन ही होता है, इसीलिए हम उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो ये बात ज़रूरी है कि आप प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखें। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया, यमुना, ऑस्ट्रेलिया, महात्मा गांधी। यहाँ पे आप देख रहे हो इंडिया एक कंट्री का नाम है, तो ये स्पेसिफिक है कि इस कंट्री का नाम इंडिया है, जहाँ हम रहते हैं इसका नाम इंडिया है। इसका नाम और कुछ तो नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता, अमेरिका नहीं हो सकता ना, जहाँ हम रहते हैं वो इंडिया है, हम अपनी इंडिया कंट्री में रहते हैं। तो इस वजह से जो ये पर्टिकुलर फिक्स है कि इस कंट्री का नाम इंडिया है, एक ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से यमुना, यमुना क्या है? एक नदी का नाम है, रिवर का नाम है ना, तो ये फिक्स है कि इस नदी का नाम ही यमुना है,
अब यमुना नदी को हम गंगा नदी नहीं बोल सकते हैं, वो यमुना है तो उसका नाम, ये फिक्स है कि इसका नाम यमुना है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। और इसे हम कैसे लिखेंगे, तो जब यमुना लिखेंगे तो उसका वाई हमेशा कैपिटल बनाएंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ऐसे एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया एंड महात्मा गांधी। और इसमें महात्मा गांधी क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो जो व्यक्ति का नाम है तो वो भी हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं हमेशा, किसी पर्सन का नाम, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सेंटेंस में। नंबर वन, नेहा इज ड्राइविंग अ कार। नेहा एक कार चला रही है, तो नेहा कार चला रही है, तो नेहा क्या है, एक लड़की है, लेकिन लड़की का एक नाम है नेहा, यानी पर्टिकुलर नेहा की ही बात हो रही है, ये फिक्स है कि नेहा की बात हो रही है, कि नेहा कार चला रही है, कोई और लड़की नहीं चला रही है, इसलिए नेहा क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया व्हेन ही वॉज यंग। वह ऑस्ट्रेलिया गया जब वह जवान था। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें एक कंट्री का नाम है, और कंट्री का नाम हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। एक जगह का फिक्स नाम है कि वो इसी देश में गया, ऑस्ट्रेलिया ही गया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। नेक्स्ट है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो जो न्यू दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल है, यानी राजधानी है। तो इसमें, इस सेंटेंस में न्यू दिल्ली और इंडिया दोनों ही क्या है, जगहों के नाम है, प्लेसेस के नाम है, और ये फिक्स है कि न्यू दिल्ली ही इंडिया की कैपिटल है, कोई और सिटी नहीं है, इसलिए क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, महात्मा गांधी इज कॉल्ड अ फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को नेशन का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, तो महात्मा गांधी फिक्स है कि महात्मा गांधी को ही कहते हैं, हर किसी को अप नेशन का फादर नहीं कह सकते, तो ये बात फिक्स है कि महात्मा गांधी को ही हम अपने राष्ट्र का पिता कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, इसलिए महात्मा गांधी क्या होगा, प्रॉपर नाउन। और सारे प्रॉपर नाउन्स, नेहा, ऑस्ट्रेलिया, न्यू दिल्ली, इंडिया, महात्मा गांधी, इन्हें हमने कैसे लिखा है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है। तो ये तो हो गए आपके प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हो गई, प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, एंड प्रॉपर नाउन मस्ट बी कैपिटलाइज। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया, यमुना, ऑस्ट्रेलिया, महात्मा गांधी, और बाकी सेंटेंस के एग्जाम्पल्स आपने देख लिए। नेहा इज ड्राइविंग अ कार में नेहा प्रॉपर नाउन है। ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया व्हेन ही वॉज यंग। वह ऑस्ट्रेलिया गया जब वो जवान था, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें प्रॉपर नाउन है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इस सेंटेंस में न्यू दिल्ली और इंडिया दोनों ही प्रॉपर नाउन है। महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, तो इस सेंटेंस में महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन के बाद आता है हमारा कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? अ कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट बिलोंग टू अ क्लास, ग्रुप और काइंड। जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन वो होता है, वैसा ना वो नाम होता है जो किसी आदमी, जगह या जानवर का होता है जो एक पर्टिकुलर क्लास, ग्रुप या कम्युनिटी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, और कॉमन नाउन आर नॉट कैपिटलाइज। जो कॉमन नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर से नहीं लिखे जाते हैं, हमेशा प्रॉपर नाउन्स को ही कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कॉमन नाउन्स को नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉल, डेस्क, प्लेट, फैन, बॉय एंड गर्ल, ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। बकेट इज फिल्ड विद वाटर। जो बकेट है वो पानी से भरी हुई है। तो बकेट क्या है, एक तरह का बर्तन है, उसका एक क्लास है कि वो एक तरीके का बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है, तो क्या होगा, कॉमन नाउन। चिल्ड्रन शुड ड्रिंक मिल्क डेली। बच्चों को रोज दूध पीना चाहिए।
लेकिन किसका दूध पीना चाहिए, भैंस का, गाय का, बकरी का, ये फिक्स नहीं है ना। तो मिल्क क्या है, एक क्लास है कि बच्चों को दूध पीना चाहिए, लेकिन ये बताया नहीं गया है सेंटेंस में कि बच्चों को गाय का दूध पीना चाहिए या भैंस का दूध पीना चाहिए। इसलिए मिल्क क्या होगा, कॉमन नाउन। और चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन में गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉयज भी हो सकते हैं, है ना। तो चिल्ड्रेन में गर्ल्स और बॉयज दोनों ही आ जाते हैं, इसलिए चिल्ड्रेन और मिल्क इस सेंटेंस में क्या होंगे, कॉमन नाउन। एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर, एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर। अब आपको पता है एलेक्स क्या होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि एलेक्स एक लड़के का नाम है, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। इज अ वंडरफुल प्लेयर, एक अच्छा प्लेयर है। प्लेयर मतलब खिलाड़ी। अब यहाँ ये तो बताया गया है कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि वो किस चीज का खिलाड़ी है, क्रिकेट का, बास्केटबॉल का, फुटबॉल का, है ना। तो प्लेयर क्या हो गया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गई कि हाँ ये प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया कि वो किस चीज का प्लेयर है, इसलिए क्या हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। ही रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, वो रोज अखबार पढ़ता है। ही रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, वो रोज अखबार पढ़ता है। अब यहाँ न्यूज़पेपर तो कई तरह के होते हैं, अलग अलग टाइटल्स के, जैसे आज तक, इंडिया टुडे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कई सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं ना हमारे वहाँ। तो जो न्यूज़पेपर है, यहाँ न्यूज़पेपर की बात की है, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम नहीं बताया, प्रॉपर तरीके से एक नाम नहीं बताया कि वो दैनिक जागरण वाला न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो अमर उजाला वाला न्यूज़पेपर पढ़ता है। अगर वो बताता कि अमर उजाला न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो वो क्या होता, वो प्रॉपर नाउन हो जाता। लेकिन यहाँ इन्होंने केवल न्यूज़पेपर लिखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग टेकन एज अ होल। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जहाँ हम पूरे ग्रुप, जहाँ लोगों के पूरे ग्रुप या चीज़ों के पूरे समूह की बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अ बंच, अ ग्रुप, अ कीज, ग्रैप्स, ईटीसी। यानी कि अ बंच किसके लिए यूज होता है, बंच यूज होता है चीज़ों के समूह के लिए। तो जैसे कीज, चाबियों का जो गुच्छा होता है उसे हम क्या कहेंगे, अ बंच ऑफ कीज। अंगूरों का जो गुच्छा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो यहाँ अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अ बंच क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। अ क्लास, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। अब एक क्लास क्या होती है, एक कक्षा जो होती है वो बच्चों का कलेक्शन होती है, बच्चों का जो समूह होता है स्कूल में, कक्षा में, उसे क्या कहते हैं, क्लास। तो जो एक क्लास है वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। एक पूरे समूह, सारे बच्चों की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं उस क्लास में चले जाओ, फोर्थ बी में चले जाओ या फोर्थ ए में चले जाओ। तो फोर्थ ए क्या कहलाता है, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। उस पूरे कलेक्शन को क्या कहते हैं हम एक साथ एक वर्ड में, अ क्लास। तो क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ हर्ड, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट, शीप, इटीसी। अ हर्ड जो जानवरों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, हर्ड। तो बफेलोस का, एलिफेंट्स का, शीप का जो ग्रुप होता है ना, उसको हम कहते हैं हर्ड। तो अ हर्ड क्या कहलाएगा, पूरे ग्रुप का जो एक नाम है, अ हर्ड, कलेक्टिव नाउन। अ लाइब्रेरी, अ कलेक्शन ऑफ बुक। लाइब्रेरी में क्या होता है, ढेर सारी बुक्स होती है ना, बुक्स का कलेक्शन होता है। तो अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो जहाँ बुक्स का कलेक्शन होता है उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो लाइब्रेरी क्या क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अ फ्लीट, अ फ्लीट क्या होता है, ए कलेक्शन ऑफ शिप। जहाँ बहुत सारी शिप्स होती हैं, कलेक्शन करके रखी जाती हैं, लाइन से खड़ी की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्लीट। तो शिप्स के कलेक्शन को फ्लीट कहते हैं। तो अब फ्लीट क्या हो गया, कलेक्टिव
नाउन। एन आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो सोल्जर्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं ना।